Hi everyone. Hi ma'am. So thank you all for joining this meeting at such a short notice. अभी देखो, we have a big problem to discuss and उसके लिए I need your suggestions. So उसके लिए संभव last year के financials जरा brief करना. So guys, हमारे last year के financials कुछ इस तरीके से थे. सेल्स था हमारा 10,000 यूनिट्स का, विच वॉज एट 100 रुपीज पर यूनिट. सो टोटल हो गया 10 लाख रुपए. उसके अगेंस्ट में रॉ मटेरियल हमारा था 60 रुपीज पर यूनिट, तो दैट कम्स टू 6 लाख रुपीज. एंड फिक्स्ड कॉस्ट हमारा लगा है 3,50,000 रुपीज का. सो हमारा प्रॉफिट बन के आता है 50,000 रुपीज. देखो गाइस, अब प्रॉब्लम ये है कि जो रॉ मटेरियल की प्राइस 60 रुपीज थी, वो बढ़ के 70 रुपीज होने वाली है, जो मेरी अभी भी वेंडर से बात हुई है. और इफेक्टिवली उससे होगा ये, जो सेल है वो तो 10 लाख की 10 लाख रह जाएगी, पर जो आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो 6 लाख से बढ़कर हो जाएगी 7 लाख रुपए. फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगी और जो अपना प्रॉफिट था 50,000 का, वो अब लॉस हो जाएगा 50,000 का. एंड गाइज, वी कैन नॉट टेक लॉस एट एनी कॉस्ट, सो आई नीड योर वैल्यूएबल सजेशंस. तो मैं क्या सजेशन देता हूँ कि हम अपना सेलिंग प्राइस 100 से बढ़ा के 120 कर देते हैं, जिससे होगा क्या कि हमारा जो 10 लाख का जो सेल है वो हो जाएगा 12 लाख का, और ये 12 लाख हमारा रॉ मटेरियल्स एज वेल एज हमारा फिक्स कॉस्ट दोनों कवर कर लेगा. एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर हमें 1,50,000 का प्रॉफिट भी देगा, जो हमारे सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहा है. सही लग रहा है. वेट मैम, मेरे को एक्चुअली लगता है ना ये आइडिया शायद काम नहीं करेगा. मैम एक्चुअली लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से अगर हम अपनी प्राइस इंक्रीज करेंगे ना, तो जो हमारी सेल्स क्वांटिटी है ना मैम, वो डिक्रीज हो जाएगी. तो अगर हम 100 का 120 पे बेचने जाएंगे ना मैम, तो जो हम कल 10,000 यूनिट बेच रहे थे ना, अब वो नहीं बेच पाएंगे. इनफैक्ट प्राइस इलास्टिसिटी को ध्यान में रखते हुए मैंने कैलकुलेट करा है कि हम एक्चुअली सिर्फ 6,000 यूनिट बेच पाएंगे अगर हम 120 की सेल्स प्राइस करते हैं. तो मैम इससे होगा ऐसा कि हम 6,000 यूनिट्स 120 पे सेल करेंगे, तो हमारी टोटल सेल निकल कर आएगी 720. उसके सामने जो हमारे रॉ मटेरियल के खर्चे होंगे वो भी 6,000 यूनिट्स के हिसाब से होंगे इनटू 70 रुपीज, दैट विल बिकम टू 420. तो इनफैक्ट मैम हम फिर से 50,000 के लॉस पर ही आ जाएंगे फिक्स कॉस्ट को कंसिडर करते हुए. यस, यू आर राइट. सो वी आर बैक टू द राउंड जीरो. और कोई सजेशन, और कोई सोल्यूशन है हमारे पास? मैम इनफैक्ट मेरे को लगता है कि शायद हमें अपना जो प्राइस है ना वो कम कर देना चाहिए. उससे होगा क्या मैम, मैं बताता हूँ. क्योंकि इलास्टिसिटी को जब मैंने पढ़ा था, तो अगर हम प्राइस को सिर्फ 100 से अगर 95 पे ले जाए ना मैम, तो मुझे लगता है कि हम 15,000 यूनिट्स मार्केट में पुश कर पाएंगे. सो मैम इससे होगा ये कि जो हमारी सेल्स है वो बढ़कर हो जाएगी 15,000 इंटू 95, विच विल बी 14,25,000. रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी मैम इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि यूनिट्स बढ़ रहे हैं, तो 15,000 इंटू 70. और इसके बाद जो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट को कंसिडर करते हुए प्रॉफिट बचेगा ना मैम, वो बचेगा 25,000. मैं जानता हूं मैम कि ये लास्ट ईयर जितना हमारा प्रॉफिट नहीं है, हमने 50,000 मेक करा था, बट एटलीस्ट क्योंकि रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है, कंसिडर करते हुए दिस साउंड्स लाइक अ गुड ऑप्शन मैम. गुड वर्क यश. A few moments later. कभी सोचा नहीं था स्कूल में जो इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, इतना बिजनेस में भी काम आने वाला है. सही है.